हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर हीटर गीज़र के अंदर से जब हमारे गीज़र में से गर्म पानी आना बंद हो जाता है तो इसमें 80 से 90% प्रॉब्लम हमारे गीज़र के अंदर में एक थर्मास्टेट लगा होता है, जो कि हर गीज़र के अंदर में दो थर्मास्टेट होते हैं, एक ऑटोमेटिक काम करता है एक मैनुअल। तो इसमें से एक थर्मास्टेट ख़राब होने की वजह से मेन पावर सप्लाई को गीज़र के कोयल तक पास नहीं करता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो आज के इस वीडियो को आप देखने के बाद खुद से घर पे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बॉडी को मैंने ओपन कर लिया है। हर वाटर हीटर गीज़र का बॉडी सिमिलर ही होता है, तो इसे बस बहुत ही आसानी के साथ में एक से दो या तीन स्क्रू खोलना है, इस तरीके से कवर बाहर आ जाएगा। ये हमारे गीज़र का बॉडी ओपन हो चुका है। अब हम इस गीज़र के अंदर में क्या प्रॉब्लम है इसे चेक करने के लिए सीरीज लैंप लेंगे, क्योंकि वाटर हीटर के कॉइल के अंदर में पावर बहुत ज़्यादा होता है, 3000 से लेकर 4500 वाट तक की पावर इसके अंदर यूज़ होता है। तो इसे सीरीज लैंप से ही हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसके कनेक्शन को चेक कर लेंगे। ये हमारा ग्रीन वायर बॉडी से परफेक्ट लगा है। गीज़र में परफेक्ट अर्थिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हमारे गीज़र के अंदर में थर्मास्टेट होते हैं, उसके अंदर दो वायर होते हैं। एक वायर एक थर्मास्टेट से होता हुआ दूसरे थर्मास्टेट में जाता है, और दूसरे थर्मास्टेट से एक वायर आउटपुट निकलने के बाद ये जो वायर आउटपुट निकल के वो कॉइल के अंदर में आएगा। इस तरीके से ये परफेक्ट लगा है। और दूसरा जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट हमारे मेन लीड वायर से कॉइल को कनेक्ट किया जाता है। बस इतना सा ही कनेक्शन है। तो हम इसे सीरीज से चेक करेंगे इस गीज़र के अंदर में हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हमने कॉइल को चेक किया, कॉइल हमारा परफेक्ट है। इसे इस तरीके से सीरीज से चेक कर ले डायरेक्ट, और बॉडी से शॉर्ट है या नहीं वो भी पता चल जाएगा। तो हमारा कॉइल परफेक्ट वर्क कर रहा है। दूसरा ये ऑटोमेटिक थर्मास्टेट है, इसे भी चेक कर लें दोनों पॉइंट पे, ये भी परफेक्ट है। तीसरा ये मैन्युअली थर्मास्टेट है, जो कि इस थर्मास्टेट के अंदर में प्रॉब्लम हमें शो कर रहा है, क्योंकि हमारा टेस्ट लैम्प का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये थर्मास्टेट ख़राब है। तो इस थर्मास्टेट को चेंज करने के लिए ये दो साइड के स्क्रू को खोल के दोनों वायर को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि थर्मास्टेट रिपेयर नहीं होता है। तो इसे इस तरीके से दोनों स्क्रू को बाहर खोलने के बाद ये बहुत ही आसानी के साथ में बाहर आ जाएगा। इसके बाद थर्मास्टेट को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। इसमें हीट होने की वजह से प्रॉब्लम दिख रहा है, जो कि बॉडी पे थोड़ा सा डिफेक्ट है। तो ये अंदर से ये मेल्ट हो चुका है। अब मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका थर्मास्टेट के चेक करने का बताने जा रहा हूँ मैं। आप सीरीज लैंप से थर्मास्टेट को चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके दोनों पॉइंट के साइड पे सीरीज लैंप के वायर को ज्वाइंट करें, इसके बाद इसको पावर देके ऑन रखेंगे, और इस तरीके से गर्म आयरन को इसके ऊपर लगा के पावर कट होगा। इसके बाद पानी में डाल के 2 से 3 बार इस तरीके से आप चेक कर लेंगे, तो हमारा थर्मास्टेट परफेक्ट वर्क कर रहा है। इसे फिक्स करने के लिए बस उसी तरीके से इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है, और ये जो लॉक दिख रहा है इसे भी प्रेस कर दें, नहीं तो ये लूज फिटिंग रहेगा। और वापस से हमने जो दो साइड के वायर को निकाला था, इसी तरीके से हमें वापस से ये वायर को दो साइड पे कनेक्ट कर देना है। बस इस गीज़र के अंदर में ज़्यादा करके प्रॉब्लम इस थर्मास्टेट से ही होता है, तो इसे वापस से हम फिट कर लेंगे। कुछ लोग थर्मास्टेट ख़राब होने पे एक थर्मास्टेट पे ही गीज़र को
कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा ना करें, ये बहुत ही रिस्की होता है। तो ऊपर साइड की बॉडी की फिटिंग से पहले हमें बल्ब को चेक कर लेना है। इसके अंदर में दो बल्ब है, एक हमारा जो दो कॉइल के अंदर से मेन कनेक्ट बल्ब है उसको इस रेड इंडिकेटर पे हमें लगाना है, और दूसरा उसके साइड पे जो ऑरेंज इंडिकेटर है वहाँ पे लगाना है। ऑरेंज इंडिकेटर पावर इंडिकेटर है और रेड कॉइल इंडिकेटर है जो पानी गर्म होता है। तो इसे फिक्स करने के बाद हम फिर से एक बार सीरीज लैंप से चेक कर लेंगे। इस तरीके से आप किसी भी गीज़र के थर्मास्टेट के प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा गीज़र यूज़ करने के लिए रेडी है।